हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद अश्वी। फ्रेंड्स, ये फ्लावर जो है टिठोनिया का है। ये प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को इन तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये टिठोनिया प्लांट की अपडेट वीडियो है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से इसको वाटरिंग देना है, सब कुछ इसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है। बीज की जर्मिनेशन के लिए पोरस मिट्टी होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम लेंगे कोकोपीट और गार्डन सोइल बराबर की मात्रा में, और उसमें लेंगे 10% काउडंग कंपोस्ट। मिक्स करने के बाद आप पॉट का, किसी भी तरीके पॉट का यूज़ करें, प्लास्टिक का भी पॉट ले सकते हैं, मिट्टी का भी हो, सीमेंट का भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ग्रो हो जाता है। पॉट में मिट्टी भरें और भरने के बाद उसको बराबर कर दें, थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाएगी। ये साफ है, हाफ स्पून लेना है और पानी में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सॉइल मीडिया पे अच्छे से स्प्रे कर देना है, जिसमें कि पूरी तरीके से सॉइल भीग जाए और पानी नीचे से ड्रेन हो जाए। साफ ऐड करने से फंगस का अटैक नहीं होगा, जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो सीड को हमने लगा दिया है, अब चलते हैं कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। बीच में मैं आपको दिखा नहीं पाई और ये है एक महीने के बाद का, तो चलते हैं इसको निकाल लेते हैं। और ये सॉइल मीडिया मैंने तैयार किया है, इसमें है मिट्टी है और बालू भी है और काउडंग कंपोस्ट है। ये पॉट है 5 इंच का, मैं जिसमें शिफ्ट करने वाली हूँ। पॉट में से पौधे को निकालने के लिए किसी टूल की ही मदद लें, और मैं ये इस टूल की हेल्प से इसको निकाल रही हूँ। तो चलते हैं, इस खाली एरिया को हम मिट्टी से फिल कर लेते हैं और थोड़ी सी जगह खाली रखेंगे जिसमें हमें वाटरिंग करने में आसानी हो। पॉट को थोड़ा सा खाली रखना है पानी देने के लिए, और इस तरीके से टैप कर देना है जिससे कि मिट्टी पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि बाद में हमें फर्टिलाइज़र भी देना होता है। थोड़े से पानी में हम फंगिसाइड मिक्स करके और प्लांट में पानी दे देंगे, जिससे फंगस का अटैक नहीं होगा। 10 से 20 दिन में जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, जैसे कि सरसों की खली। काफ़ी सारी कलियां हैं जो अभी खिलने वाली हैं, अभी कुछ खिल गई हैं और कुछ खिली नहीं हैं। ये इसका सीड पॉट है और इसमें सीड काफ़ी सारे होते हैं। इस प्लांट को मैं ज़मीन में लगाई हूँ और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन 5.5 फीट या फिर 5 फीट के बराबर ही है। इसका ये छोटा पौधा है जो बाद में मैंने लगाया था, इससे भी छोटा पौधा है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और स्टार्टिंग में तो ये एक ही ब्रांच से लेके ऐसा निकलता रहता है, फिर बाद में कई सारी ब्रांच इसकी आ जाती हैं, और फिर माशाल्लाह काफ़ी सारी ब्रांच के साथ में बहुत बुशी लगने लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पानी की कमी भी थोड़ी सी हो जाती है, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो ये प्लांट बहुत जल्दी ही मुरझा जाता है। इसकी पत्तियाँ सारी मुरझा के ऐसे नीचे हो जाती हैं। इसकी पत्तियाँ जब निकलती रहती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई फ्लावर खिल रहा हो, और पत्तियाँ काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत लगती हैं। यहाँ से बर्ड्स स्टार्ट हो रही है, और काफ़ी सारी बर्ड्स तो अलग से निकली है, जो इस बीच से नहीं निकली है, इसके अंदर से सेंटर से नहीं निकली है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा कई प्लांट ख़राब हो गया है, बारिश कंटिन्यू 2-3 दिन होती रही, और पॉट में मैंने लगाया था तो डेली बारिश होने की वजह से, पानी रुका रहने की वजह से प्लांट ख़राब हो गया था। रूट से ख़राब होता है ये प्लांट, ऊपर से नहीं ख़राब होता, पानी ज़मीन में भी लगा रहता है तो ऊपर से नहीं ख़राब होता, ये प्लांट नीचे से ही ख़राब होता है।
इस टिटोनिया के पौधे में इंसेक्ट का असर होता है। इसमें कुछ वाइट स्पॉट आपको दिख रहे होंगे, पत्तियां थोड़ी सी पीली हो गई हैं, वाइट वाइट सा थोड़ा सा लग रहा है बीच बीच में। और ये जो इसकी वजह है कि इसमें इंसेक्ट लगता है, वो इंसेक्ट एक फ्लाई होती है वाइट वाइट सी। इस प्लांट को जब मैंने ग्रो किया तो मैंने देखा कि जो धनिया में वाइट स्पॉट होते हैं, और हाँ धनिया में ही होते हैं, तो उसी तरीके के वाइट स्पॉट इस पर भी होते हैं। बाद में समझ आया कि इसमें इंसेक्ट का असर है। अभी इसमें भी वाइट स्पॉट देख रहे हैं। बारिश की वजह से मैं स्प्रे नहीं कर पाई दवा का। तो ये एक तरह के वाइट फ्लाई होती है जो सारे प्लांट को ख़राब करती है, उससे पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और फिर पीली होगी पूरी ख़राब के झड़ जाती हैं। अगर आपके भी प्लांट में वाइट फ्लाई का अटैक है तो ये आप इक्का यूज़ करें। इक्का वाइट फ्लाई देखें, इस पर बना हुआ भी है। इक्का यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। ये पैकेट है 15 लीटर पानी के लिए है। और अगर वाइट फ्लाई एफिड का अटैक अगर आपके सब्जियों में भी है तो उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा प्यारा आता है। तो और ये मैंने भिंडी लगाया है तो भिंडी में भी वाइट फ्लाई का ही अटैक है, इसी एफिड का है। वैसे और किसी तरह का इंसेक्ट का असर नहीं है, ये पत्तियों को पूरा ख़राब कर देते हैं। और ये पत्तियों पे स्प्रे करने के लिए है। ज़मीन में तो किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बगैर फर्टिलाइज़र के ये प्लांट 5 फीट का हो गया है। और पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अगर आपके पास मिट्टी बहुत अच्छी है आपके यहाँ की, तो मिट्टी में भी लगा देंगे तो ग्रो अच्छे से होगा। उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें। अगर काउडंग कंपोस्ट है तो उसको यूज़ कर लें, वरना आपके यहाँ अगर कोई वर्मी कंपोस्ट आपने बनाया है तो उसको भी आप यूज़ कर लें। काउडिंग बहुत अच्छी करने लगेगा। और ये काफ़ी टाइम तक पूरे बारिश से ये प्लांट रुका रहता है, ख़राब नहीं होता। इंसेक्ट के असर से बस बचाएं और ये फ्लावरिंग बहुत प्यारी करेगा। और सेकंड सीज़न के लिए आप इस सीड पॉट को सुखा के रख लें, स्टोर कर लें। और ये सीड पॉट सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगता है, तो इसकी सीड को तोड़ेंगे। ये थोड़ा बारिश हो गया ना तो इसमें मॉइस्चर आ गया है, तो इसके वजह से ये पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है। ये देखें, ये इसकी ये सारी सीड्स हैं, जितनी हैं ये सारी सीड्स हैं। ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये सारी सीड्स है। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही सही से ही जर्मिनेट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अभी बूंदे पड़ने स्टार्ट हो गई है और मौसम यहाँ का बना हुआ है बारिश का। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।